है गाइस, वेलकम बैक टू नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं कमरे से बाहर निकल गया हूँ, तो यहाँ पे आग लगी है, बारिश लगी है, आप देख सकते हैं पहाड़ी तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा यहाँ बगीचा भी, आम का पेड़ नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे पीछे। तो यहाँ पे फूल दिख रहे होंगे, पीला फूल दिख रहे होंगे, यहाँ पे पीला फूल आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा इसमें बगीचा पूरा भरा हुआ है, उसी तरफ भी पूरा बगीचा है, दिखा दूं मैं आपको। तो इस वक्त यहाँ पे हम, मेरी मम्मी बैठी है, न्यूज़पेपर पढ़ रही सुबह का, तो इनसे जानते हैं कि तो आज तो बताइए आप कि आज यहाँ पे बारिश का मौसम है, लेकिन कैसा लग रहा है आपको इस बारिश के मौसम में, कैसे कैसा हो रहा है बारिश, आप इस बारे में बताएं कुछ। बारिश रोज बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो गया है, और क्या बोलना। तो कुछ खेती के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे कल आपने बताया जैसे कि खेती के बारे में कुछ लोग करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं करना चाह रहे, किस कारण नहीं करना चाह रहे हैं वो खेती, कुछ विषय में बताएंगे। खेती बाड़ी में सब बंजर पड़ी, खेत को कंचाणो नहीं चाहना कानू आवारा पशु है, इन दुनिया भर के जंगली जानवर है, इन दुनिया भर के संगरा पौन फुलना से ना हमारे से पेड़ों जा सब ख्याल पौन में गाय पौन तक आना नहीं सुंदर सब नाश करना है खेती के लिए नहीं करना चाहिए। एक बार मतलब क्या मतलब बाढ़ हो जाए पके तो जानवर से भी बचाव हो जाए, आवारा पशु से भी बचाव हो जाए, तब तो लोग खेती बाड़ी करता कुछ करता, कोई गेहूं बुद्धा कुछ घास कुछ हम अपने पूना में साग सब्जी बो लेता जर बचा हो जाए तो करने का कुछ न कुछ। मतलब खेती में कुछ परेशानी थी, मतलब कुछ लोग परेशान थे कि जानवर देखिए परेशान थे, जानवर भी बहुत हो गए ना आवार पशु भी बहुत हो। तो क्या हमारे ये उपाय नहीं थे कुछ कि प्रधान द्वारा जो प्रधान बड़े कुछ प्रधान करने चाहो, मतलब कोई तो नहीं चाहो प्रधान करने करने करो, जब बजट आता तो करो लोग क्या करना, बरसात बाद ज्यादा दिन था जब बजट आता तो करा काम तो और कुछ बाढ़ होनी चाहिए तो कोई जब तक वाला तार बाढ़। तो कुछ ये विषय बारे में कोई दी विषय बात तो जगह में इन बताओ दी ये रात भर भर का लगे तो या अभी कुछ मौसम विभाग का कुछ बता दें। दिन रात सवेर शाम बरखा बरखा, अब चैने भी नहीं पर कपड़ा सुखाना नहीं मुसीबत है। एक चार पांच दिन होंगे बरखा का तो मौसम या नहीं रहने के अभी कभी सुबह या घाम भी आ नहीं रहा, दिन में थोड़ा गांव आ जाओ तो फिर पास में बरखा जानी बरखा तो रोज आ बरसात का मौसम ये तो बरसात नहीं रहता आप भूमि होगा सर का मन मान दिया पर एक गांव के बारे में परिचय तब मैं चल दो आप दिया तो पुंगड़ साहब मैं वक्त जानू छो मैं आप दिखा दूँ घर रह कर दो तो चलो चल दो तो चल चला चल मैं आ गया एकदम अपर पुंगड़ों में यानी बगीचा बड़ो बगीचा से जब हम जो कल आयु प्याला पुंगड़ों में आयु छा मैं तो यह हम ये दिखा देने हल्दू से हम हल्दू हल्दू रख मैं सुगर रख सर जानवर खा गया परेशानी चाहे परेशानी होनी चे तो यह मैं आ गया पुंगड़ों में तो मैं आप दिखा दे घर रख दो तो छुपायू चे हम तो यह छुपायू कर दो मम्मी छुपायू तो कर दो दिखा दे मान लेकिन दिखाने नहीं मिलेगी वो अग्नि वाले कम कर दो हाँ एक हम जगह हम छह था ज्यादा रख सुपाई का कर दो हाँ सही बात घर रह कर दो मिल गया तो यो चो घर रह कर दो लेकिन मैं आता हूँ जो पकड़ो घर रह कर दो चो ब्याल जो मान दिखा में थे यू घर रह कर दो चो तो ब्याल बिछाए का मुँह कर दो तो ब्याल सुपाई का वो तो थोड़ा सेड़ गया कर दो पारू पर गए ना हाथों में छह चुम यार तो यह कम पीछे भिंडी उंडी लगे आज ना देख सकते हो आप यह काम तो पॉली हाउस में नाना जी को रहो तो यूं भी लगाए थे ना अभी कुछ भीतर लेकिन अभी मैं जा नहीं सकूँ तो क्योंकि बरखा लगनी है अभी तो मैं कल लगे ये ब्लॉग अतः आप बताएं कमेंट करे तो मैं शेयर कर लाइक कर कमेंट कर तो तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड।